उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में बुजुर्ग की पिटाई के मामले में पुलिस ने दो और लोगों को गिरफ्तार किया है। जिले के लोनी में ये घटना हुई थी जिसका वीडियो वायरल हो गया था। पुलिस ने इस मामले में अब तक कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक इंतजार और बोना नाम के 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में उन्मेद पहलवान नाम के स्थानीय नेता पर भी सोशल मीडिया पर जहर फैलाने का मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस का कहना है इंतजार ही इस घटना का मास्टरमाइंड था, वही ताबीज बनवाने के लिए बुजुर्ग के पास ले गया था। पुलिस के मुताबिक ये बुजुर्ग ताबीज बनाता था। इन्होंने परवेज गुर्जर नाम के युवक को ताबीज दिया था। ताबीज पहनने के बाद उल्टा असर हो गया। युवक को लगा ये सब ताबीज की वजह से हो रहा है। उसके बाद उसने बुजुर्ग की पिटाई की। गौरतलब है कि 5 जून को एक समुदाय विशेष के बुजुर्ग को बंधक बनाकर धार्मिक नारे लगाने, मारपीट व दाढ़ी काटने का मामला सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इस मामले में पुलिस ने पहले ही आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया। इसमें अब तक कुल 5 गिरफ्तारी हो गई है। वहीं सत्यापन के बिना सूचना प्रसारित करने के आरोप में ट्विटर समेत 9 के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। आरोप है कि सभी ने गलत सूचना को बिना सत्यापित किए प्रसारित किया। ब्यूरो रिपोर्ट, आज की खबर।